हेलो गाइस, आज हम जा रहे हैं सिरसा। किस कारण जा रहे हैं ये आपको थोड़ी देर में बताएंगे। नेहा ने स्कूटी निकाल ली है और अब हम घर से चले। गाइस, स्कूटी बस स्टैंड हम पहुंच जाएंगे। वी आर गोइंग टू सिरसा। आज नेहा का पेपर है तो हम से उसे जा रहे हैं पेपर दिलाने सिरसा। ये फतेहाबाद का पुराना बस स्टैंड नया शहर से बाहर बन चुका है और यहाँ आएगी सिरसा की बस। आधा घंटा हो गया, अभी तक कोई बस तो नहीं आई। वेट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो जो बस स्टैंड जाएंगे वहाँ से बस चेंज करेंगे। ऑटो वाला सिरसा लेके जा रहे हैं, जाना है तो फोन नहीं आई भाई। ये सुनीता है, हमारी पुरानी सहेली, बस स्टैंड पर मिली हमें। हमें सिरसा की बस तो नहीं मिली, दरियापुर की मिली है। वहाँ से बाईपास से सिरसा की बस लेंगे। काफी देर वेट किया था, बस आई नहीं। पेपर के लिए लेट हो रहे थे इसलिए हम निकल चुके हैं यहाँ से। हम सिरसा बस स्टैंड आ चुके हैं, अब कॉलेज की ओर जाएंगे पेपर देने के लिए। जाएंगे कॉलेज की ओर। सामने ही कॉलेज है, रोड क्रॉस करते ही। ज्यादा दूर नहीं जाना है। गवर्नमेंट नेशनल कॉलेज से लोग देखो। जाए लोग तीन तो बदलो है। कॉमर्स लोग ये रैंप नया बन गया है, पहले नहीं था, खाली जगह थी। ये रैंप नहीं था, ये नहीं रैंप भी नहीं था। अच्छा, मतलब पिछली बार जब मैं आई थी तब नहीं था, उसके बाद आप आए थे दिसंबर में एग्ज़ाम देने तब बन गया होगा। मैं पिछले साल जून में आई थी तब नहीं था। सभी स्टूडेंट्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं। नया की तैयारी कैसी है? ठीक ठाक तैयारी है। रोल नंबर देखेंगे अपने यहाँ का। ये है BA6 केमिस्ट्री। हाँ ये आपका नहीं है नंबर। लिस्ट में नया का रोल नंबर नहीं मिला, अब हम जाएंगे ऑफिस में। नया का लिस्ट में नाम लिखवा के आए हैं और अभी उसका जो रोल नंबर था उसको हमने अरेस्टेड करवाया है।
मेरा टेंशन में आ गई थी, अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए बस। ऑल द बेस्ट नेहा, जा रही हूँ। अब जाके मैं आपका रोल नंबर ऐड किया है लिस्ट में और उसको क्लासरूम में लेके जाऊंगी भी मैं। रोल नंबर बता देंगे कहाँ एडजस्टमेंट के लिए। ये रूम नंबर है नया का और क्लास में टीचर भी खड़े हैं। यहाँ का इसमें पहले रोल नंबर नहीं था तो यहाँ एडजस्टमेंट में दिक्कत आई है और मैंने सर को बोला है एडजस्ट करवाए इसको यहाँ। अभी तक नेहा को आंसर शीट नहीं दी है, मैं वेट कर रही हूँ जब तक उसका एग्ज़ाम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट ना हो जाए तब तक मैं यहीं खड़ी हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर की ओर। पेपर स्टार्ट हो चुका है और अब मैं नीचे खाली रूम था यहाँ के बैठ गई हूँ। 3 घंटे का पेपर है, 3 घंटे अब मैं यहाँ बैठ के वेट करूँगी। अगर यहाँ से किसी ने उठा दिया तो कहीं और जाना होगा, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, उमस का मौसम है, तो जो भी होगा आपको अपडेट करूँगी। उस क्लासरूम से तो टीचर ने उठा दिया, फिर मैं इस क्लासरूम में आके यहाँ बैठी हूँ। और अब ये देखो मैं आपको ये क्लासरूम दिखाती हूँ, ये क्लासरूम है बिल्कुल खाली है, अभी यहाँ कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। हुआ सर आता था, एक भी क्वेश्चन नहीं था जो मेरे को नहीं आता था। ठीक है, बढ़िया है, हो जाएगी पास। पास क्या मेरिट लाएगी। ठीक है, गर्मी है। बोतल भर ले मेरे बैग में, वो निकाल के अब हम यहाँ से जाएंगे घर सीधा, यहीं से बस मिल जाएगी। नहीं तेरे हाथ कहाँ पे, वीडियो में कौन आवे। चलो जी अब हम चलते हैं घर की ओर। से बाहर आ गए हैं, अब जाएंगे बस स्टैंड की ओर, सामने बस स्टैंड है, आपको दिखाती हूँ उस साइड है बस स्टैंड। बस निकल रही है अगर वो फतेहाबाद की हुई, तो हम उसी में बैठ जाएंगे। पर पंजाबी में नाम लिखा हुआ है तो पता नहीं कहाँ की बस है, तो अब हम जाएंगे बस स्टैंड के अंदर। ये हम आ गए हैं बस स्टैंड, फतेहाबादी बस कौन सी में है, चंडीगढ़ गुना करनाल, ये जाएगी फतेहाबाद होगी। रुक जाओ एक मिनट देखने तो दो, हिसार जो जलो इसमें सीट हुई तो मैं
पानी बना के सब्जी है। हम स्कूटी में बैठ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं घर। और आज का व्लॉग इतना ही था, नेक्स्ट व्लॉग का इंतज़ार करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।